समझते हैं सेक्सटॉर्शन क्या है। सेक्सटॉर्शन बेसिकली एक ऐसा स्कैम आजकल चल रहा है मार्केट के अंदर, जिसमें बेसिकली आपको कोई लिंक आता है और उस लिंक पर आपको क्लिक करने को बोला जाता है। कोई आपको फेसबुक से कनेक्ट करता है, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है और आप उसको जैसे कनेक्ट करते हो तो आपके साथ एक बातें स्टार्ट हो जाती है। मतलब एक फीमेल प्रोफाइल का आपको लिंक आएगा और आपके साथ वो चैटिंग स्टार्ट होगा, चैटिंग फिर वहाँ पर फेसबुक पर नंबर्स को एक्सचेंज किया जाएगा। और जब नंबर एक्सचेंज होते हैं तो आपके पास एक अननोन वीडियो कॉल आता है जो कि व्हाट्सएप पर आता है, और जैसे ही आप उस वीडियो कॉल को उठाते हो तो आपका जो फेस होता है उस फेस को कोई रिकॉर्ड कर लेता है। मतलब आपसे एक पर्सन वीडियो कॉल पर बात करता है और उस पूरी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और रिकॉर्ड करने के बाद वो उस थोड़े दिन बाद फिर आपके पास एक और वीडियो व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाता है। बेसिकली वो मॉफ वीडियो होता है, मतलब आपकी वीडियो आपका फेस काट कर उसके साथ में एक और दूसरा वीडियो अटैच कर दिया जाता है, और आपको सेक्सटॉर्शन का कॉल आता है जिसमें आपको बोला जाता है कि ये वीडियो हम वायरल कर देंगे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो तो उसके लिए फिर आपसे पैसे मांगे जाते हैं। ये सेक्सटॉर्शन का जो खेल है ये बहुत सारी स्टेट से, बहुत सारी लोकेशन से आजकल किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत सारे लोग इसको डिस्क्लोज नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग इसकी कंप्लेन नहीं कर पाते, शर्म के मारे लोग ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाते। तो सबसे पहला जो चीज़ आपको प्रिकॉशन लेना है, इस तरह का कोई भी अगर आपके पास मामला आता है तो आपको cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करना है। प्लस एक नंबर है 1930 जो कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको हमारा होम मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया नंबर है, और आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हो कॉल कर। इनफैक्ट आप अपने नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन पर भी जाकर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। और जस्ट मेक श्योर कि आप जब भी इस तरह की कंप्लेंट करें तो पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देना है आपको, बिकॉज डिटेल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ही आपको आपकी जो कंप्लेंट है उस पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको घबराना नहीं है, बिकॉज इस तरह की वीडियोज और इस तरह का जो पैटर्न होता है ये बहुत ही आम है, बहुत सारे लोग आजकल इस तरह के स्कैम्स में पड़ रहे हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक पैटर्न है और इससे इस चीज़ को, इस वीडियो को नॉर्मली किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं डाला जाता, बिकॉज जैसे ही वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाता है तो उनका यूज़र आईडी, उनका जो बेसिकली जो आईपी एड्रेस होता है या इस तरह की चीज़ें लीक होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है, इसलिए वो इस तरह की वीडियोज़ को कहीं पर भी अपलोड नहीं। ये एक मोड ऑफ ऑपरेंडी है लोगों को डरा कर पैसे लेने की, और ये रेगुलर चल रहा है। सो सतर्क रहें इस तरह के। कभी अगर आपके पास वीडियो कॉल आते हैं तो वीडियो कॉल को आपको अननोन नंबर की वीडियो कॉल को अटेंड नहीं करना है। इनफैक्ट कभी अगर आपको वीडियो कॉल आ भी रहा है तो मेक श्योर कि आप कैमरे के ऊपर हाथ रखकर उसको ओपन स्टार्ट करेंगे, तभी जाकर आपको दैट मीन्स आपको कभी भी डायरेक्टली अपना फेस कैमरे पर नहीं लाना अगर वो आपका नोन नंबर नहीं है तो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। cybercrime.gov.in वेबसाइट है, इस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को स्प्रेड आउट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेक्सटॉर्शन के बारे में उनको पता लग सके।